हेलो फ्रेंड्स, इफ देन इम्प्लीकेशन में चलिए आगे देखते हैं। ये जो चार बातें हमें दी होंगी, पी इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर क्यू, या पी ओनली इफ क्यू, या क्यू इज नेसेसरी कंडीशन फॉर पी, या निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज निगेशन ऑफ निगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज निगेशन ऑफ पी। इन चारों बातों का वही मतलब है जो पी इंप्लाइज टू क्यू का मतलब होता है। इसलिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे P implies Q is same as each of the following। चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो टॉपिक है ना, ये हमें आगे के टॉपिक पे ले जाएगा। जैसे कि अभी हमें करना है कन्वर्स इनवर्स, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ इम्प्लीकेशन करना है, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव वो हम बाद की क्लासेस में करेंगे, बट ये टॉपिक वहां से रिलेटेड है। थोड़ा सा इसको देखिए। जैसे कि मेरे पास दो कॉम्पोनेंट स्टेटमेंट है, पहले मेरे पास एक आर स्टेटमेंट है, इफ अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9 देन इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो आप इसको देखते ही पहचान गए, इसमें इफ देन लगा हुआ है, तो ये इफ देन इंप्लीकेशन है, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट बना लिए हमने, p इज गिवन बाय अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9 एंड q इज गिवन बाय अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। मल्टीपल का मतलब कोई नंबर है जो 9 की टेबल में आता है, कोई नंबर है जो 3 की टेबल में आता है, ठीक है। तो p implies q is same as each of the following। देखिए पहला, p is sufficient condition for q। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि अगर p, देखिए कि आपका नंबर इज, सपोज मैंने नंबर ले लिया 27 समझने के लिए, ठीक है, तो ये हमें कौन सी बात बताता है कि द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9 इज सफिशियंट टू कंक्लूड दैट द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है ना। तो P is sufficient condition for Q, अगर हमें कहीं पे दिया हो तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब P implies to Q ही होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर कोई नंबर 27 है, जैसे कि समझने के लिए मैंने लिया है, कोई नंबर 27 है, वो अगर 9 की टेबल में आता है, तो आता तो है 9 से 27, ठीक है। तो बस इतना ही कह देने से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो नंबर है वो किसकी टेबल में आता होगा, 3 की टेबल, 3 की टेबल में आता होगा। 27 देखिए 3 की टेबल में आता भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, p ओनली इफ q, p ओनली इफ q मतलब ये क्या बताता है आपको कि नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9। ये देखिए पहले p आ रहा है ना, तो p क्या है, 9 वाले स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9 कब, ओनली इफ द नंबर इज मल्टीपल ऑफ q, means only if the number is multiple of 3, ठीक है। तो ये हमें इस बात को बताता है, this say number 27 is a multiple of 9 only if it is a multiple of 3। और ये आपको कौन से टॉपिक पे ले जाएगा, ये आपको if and only if पे ले जाएगा, अभी आगे की क्लासेस में डिस्कस करूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट है, q is necessary condition for p। ये आपको कहां पे ले जाएगा, कन्वर्स पे ले जाएगा आपको, ये कन्वर्स वाले टॉपिक पे, भी आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्या कहता है, when number is a multiple of 9, अगर उस नंबर को 9 का मल्टीपल होना है तो ये नेसेसरी है कि वो q किससे रिलेटेड है, 3 से, तो वो q का भी, वो 3 का भी मल्टीपल होगा। तो when a number is multiple of 9, it is necessarily a multiple of 3, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, लास्ट वाला जो टॉपिक है वो आपको ले जाएगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव पर, ठीक है। देखिए p implies to q लिखा हो या negation of q implies to p, negation of p लिखा हो, बात क्या होती है, सेम। ये आप देख लो थोड़ा सा, p implies q, is equivalence to, ये equivalence का साइन है, अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा आगे क्लास में, is equivalence to negation of q implies negation of p, ठीक है ना। जैसे कि देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, negation of q implies negation of p, इसका क्या मतलब है, if a number, देखिए negation लगा हुआ है, तो if a number is not divisible, और q किससे related है, 3 वाले statement से, तो if a number is not divisible of 3, या multiple है यहाँ पे, if a number is not multiple of 3, then it is not multiple of 9, then it is not multiple of 9, ठीक है ना। तो p implies q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, ये बात सेम है। देखिए कैसे बात सेम है, इफ अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9
देन इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। और ये क्या बोल रहा है, अगर नंबर 3 के मल्टीपल नहीं है तो वो नंबर 9 के मल्टीपल भी नहीं होगा। दोनों बातें क्या है, इक्विवेलेंस, सेम बातें हैं दोनों, ठीक है। तो ये चारों कंडीशंस जो मैंने आपको बताई हैं, ये चारों किसको बताता है, सेम P इंप्लाइज Q को बताता है। और अगर क्लियर नहीं हुआ है तो अब आगे की क्लास में क्लियर होगा, बिकॉज अभी बहुत सारे टॉपिक्स नहीं आए। इफ एंड इफ ओनली, इफ एंड ओनली इफ, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव कर देगा।